Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and uh, in last class we have started chapter 3 atomic structure. So, today we will continue with that. So, let's start 3.2 is atom indivisible okay, let's see. with the idea of an

केमिस्ट जो थे वो एक्सप्लेन मतलब इंडिविजिबल एटम अगर वो अपने उसमें एज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या कर पा रहे थे केमिकल रिएक्शंस को आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहे थे अलग अलग लॉस और रूल्स को लगाकर लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजिबल एटम का वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर कंडक्ट हुए एटम मैटर के नेचर को समझने के लिए जिसमें कि आपका एटॉमिक थ्योरी जो है वो वहां पर से निकल कर आया और पूरा जो डायरेक्शन था उसको कंप्लीटली चेंज कर कर रख दिया ठीक है देखते हैं ऑन ऑन द वन हैंड द नेचर ऑफ द एटम वॉज बी डिस्कस्ड एंड द द द एंड एंड एट 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 सेम सेम टाइम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड रिएक्टिविटी ऑफ गैसेज दूशन ऑफ द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे जे थॉम्सन एटीन फिफ्टी सिक्स फोर्टी And the German scientist Goldstein is in the study of gases needs to be appreciated. For example, Goldstein observed that when a high when when a sufficiently high voltage is applied across the electrodes of a glass tube filled with gas at lower pressure, current flows and a stream of shiny rays are emitted from the cathode. गोल्डस्टीन कॉल्ड दिस रेस रेस कैथोड ठीक है देखिए एक तरफ जब क्या हो रहा था जो एटम का जो नेचर था वो डिस्कस किया जा रहा था उसी वक्त पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो गैसेस के रिएक्टिविटी को समझने के लिए भी कंडक्ट हो रहे थे जो कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश यहाँ पर क्या है ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जेजे थॉम्पन जे और साथ में एक जर्मन साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन उन्होंने गैसेस की स्टडीज की और उनका जो उनकी जो स्टडीज है वो काफ़ी ज्यादा अप्रिशिएट अप्रिशिएट की जाती है एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड जो थे वो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब कोई ग्लास ट्यूब में ठीक है ग्लास ट्यूब में क्या है आपका इलेक्ट्रोड्स रख देते हैं और हाई वोल्टेज अः हाई वोल्टेज क्या होता है जब उसमें अप्लाई किया जाता है और जो ग्लास जो ग्लास ट्यूब है उसमें क्या है आपका लो प्रेशर गैस रखती हुई है और उसमें से अब क्या है हाई वोल्टेज पास किया जा रहा है तो करंट फ्लो होता है उसमें और एक एक शाइनी रेज जो है वो उसमें से एमिट होते हैं कैथोड से क्या होता है एमिट होता है जिसको गोल्डस्टीन ने नाम दिया कैथोड रेज ठीक है दिस एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड लेटर अंडर मेनी डिफरेंट कंडीशंस द साइंटिस्ट स्कटस्टर प्लेस्ड मेटालिक प्लेट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पाथ ऑफ कैथोड रेज When voltage was applied across the plates, one acted as cathode and the other as anode. He observed that when cathode rays pass through these plates, they bend towards the positively charged plates, that is anode. In this way, it is confirmed that the cathode rays are made of negatively charged atoms, negatively charged particles. Theakye, जो एक्सपेरिमेंट्स ये जो एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर जो जो कि आपका क्या है गोल्डस्टीन ने किया था वो बार बार फिर से लोगों ने रिपीट किया और जो कंडीशंस थे वो अलग अलग करके बार बार लोगों ने वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिपीट किया एक साइंटिस्ट थे जो कि जिनका नाम था स्कस्टर? स्कस्टर, जिन्होंने क्या किया मेटालिक प्लेट्स दो साइड क्या किए प्लेट्स कैथॉर्ड में और कैथॉर्ड कैथॉर्ड के साइड में क्या कर दिया मेटालिक प्लेट्स लगा दिए दोनों साइड में और उसके बाद में जब उन्होंने वोल्टेज को वोल्टेज लगाया ठीक है वोल्टेज दिया प्लेट्स के अक्रॉस में तो एक जो था वो आपका कैथोड की जैसे एक्ट कर रहा था और दूसरा जो था वो आपका एनोड की तरीके से एक्ट कर रहा था ठीक है दो उन्होंने क्या किया मेटालिक प्लेट्स लगा दिए और जो प, आ, पाथ था कैथॉर्ड रेस का जो पाथ था उसके बी उसके पास में उन्होंने क्या कर दिया मेटालिक प्लेट्स लगा दिया अब बाद में जब उन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि एक एक जो प्लेट है वो आपका कैथोड के जैसे एक्ट कर रहा है और दूसरा जो प्लेट है वो आपका एनॉड की जैसे एक्ट कर रहा है उन्होंने देखा कि जो कैथोड रे है वो जो प्लेट्स हैं उसमें से क्या हो जा रहे हैं पास हो जा रहे हैं बेंड हो जा रहे हैं डिफ्लेक्ट होकर जो पॉजिटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है जिसको क्या कहते हैं आप एनॉड के नाम से जानते हैं वो वहाँ पर बेंड होकर एनोड मतलब जो कैथोड रेस है वो क्या कर रहे हैं मेटालिक प्लेट्स के थ्रू बेंड होते हुए एनोड की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से उन्होंने ये कन्फर्म किया कि जो कैथोड रेस है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एनोड रेस जो है वो आपका एनोड जो है वो आपका क्या रहता है पॉजिटिवली चार्ज रहता है जिस वजह से जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या करता है आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है later thomson calculated the mass and the and charge on this negatively charged particles and found that the nature of the cathode rays partic, cathode ray particles are always identical and uh, and it was independent of of the cathode material he named this negatively charged particles electrons electrons is a subatomic particle of all atoms thus thomson challenged the long Long held that atom is indivisible. Thomson received the the Nobel Prize for 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 Physics in 1906 for the, for his elect, discovery of electron. उन्होंने मास और चार्ज जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास और चार्ज जो है वो कैलकुलेट किया और उन्होंने देखा कि जो नेचर है रे का जो, पार्ट, रे का जो नेचर है वो काफी ज्यादा आइडेंटिकल है और इंडिपेंडेंट जो क्या है वो मतलब जो कैथोड मटेरियल है उससे काफी ज्यादा अलग है ठीक है क्या है कैथोड रे पार्टिकल्स जो है वो काफी ज्यादा आइडेंटिकल है सेम है और इंडिपेंडेंट है कैथोड के कैथोड में जो मटेरियल यूज हुआ है उससे उन्होंने उसको क्या किया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे उसमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया ठीक है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है सारे ऐट मतलब कि सब एटम्स में क्या रहते हैं एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया बाद में थॉमसन इन्होंने थॉमसन ने यहाँ पर क्या किया जो एटम इनडिविजिबल है ये जो आपका थ्योरी जो चल रही थी उस वक्त पे उसको यहाँ पर चैलेंज किया और बाद में जे जे थॉम्सन ने नोबल प्राइज़ फिजिक्स के लिए नोबल प्राइज़ 1906 पे इसी चीज़ के लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है रिसीव किया यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है आपको छोटा सा जो है, वो दिए हुए हैं यहाँ पर कैथोड रे है ये आपका कैथोड रे का एग्जाम्पल है और दूसरा जो है वो आपका बेंडिंग ऑफ कैथोड रे का एग्जाम्पल है अगर आप इसको समझेंगे तो देखिए ये आपका क्या है आपका एक स्क्रीन uh, यहाँ पर लगा हुआ है देखिए ये स्क्रीन है और ये बेंडिंग है यहाँ पर एक कंट्रोल ग्रिड लगा हुआ है अंदर में एक हीटर है यहाँ से क्या हो रहा है कैथोड रे जो है वो पास हो रही है ये दोनों क्या है आपका फोकसिंग कॉल है और ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं जब यहाँ से कैथोड रे पास हो रहा है तो ये क्या हो रहा है डिफ्लेक्ट होकर बेंड होकर यहाँ पर स्क्रीन की तरफ जा रहा है ठीक है ये आपका इलेक्ट्रॉन बीम है नेक्स्ट देखिए गोल्ड स्टीन एंड कैनल रेज Just as cathode rays were discovered, positively charged rays were also discovered by Goldstein in 1886 and were called canal or anode rays. On the basis of observation from his experiments, it was seen that canal rays were made of positively charged particles and their nature dependent on the type of gas in the glass tube. Goldstein saw that the charge and mass of different anode rays were different.

गोल्डस्टीन के द्वारा जिसको या तो कैनल रे कहा जाता है या फिर एनॉर्ड रेस कहा जाता है इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने गोल्डस्टीन ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके बेसिस पे उन्होंने पाया कि जो कैनल रेस है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और उसका जो नेचर है वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है गोल्डस्टीन ने देखा कि जो चार्ज और मास है एनॉर्ड रे का जो चार्ज और मास है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो रेस है वो आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन ऑफ गैस के थ्रू क्या हो रहे हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं इसीलिए जो डिस्कवरी थी कैनल रेस की वो एक न्यूट्रल नेचर मतलब एटम के न्यूट्रल नेचर को क्या कर रहा है बन, बता रहा है ठीक है एटम में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन और साथ में एक एनोड मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है एंड और मतलब कि यहाँ पर क्या है प्रोटॉन जिसको हम आज क्या है प्रोटॉन के नाम से जाते हैं लेकिन उस वक्त पे उनका इसका जो नाम था वो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ तो डिस्कवर कर ली थी कि जो कैनल रेस है वो क्या कर रहा है आपका जो एटम्स के न्यूट्रल नेचर को शो कर रहा है न्यूट्रल नेचर को बनाने में मदद कर रहा है तो एटम्स में क्या रहता है एक पॉजिटिवली चार्ज चार्ज पार्टिकल रहता है और एक क्या रहता है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देती है ठीक है नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे thompson's atomic model thank you